हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोनसाई प्लैनेट में आपका सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। तो दोस्तों, आज हम आए हैं इस बीच पे, तो देखते हैं हमारे बोनसाई के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है कि नहीं, जैसे स्टोन या रॉक्स ढूंढेंगे। आज कोशिश करेंगे, कुछ मिलना तो चाहिए, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रॉक्स जो होते हैं ये समुद्र किनारे या जहाँ पे खाड़ी होती है वहीं पे ज़्यादा पाए जाते। तो देखते हैं आज हमें यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। चलो दोस्तों, तो आज ढूंढ के ही रहेंगे। आगे चलो दोस्तों, आगे यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है हमें, देखते हैं आगे कुछ मिल पाता है या नहीं। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे रॉक्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैंने पहले भी कई बार अलग अलग जगह पे जा चुका हूँ रॉक्स ढूंढने के लिए, तो मिले भी हैं मुझे, मैंने उसका यूज़ भी किया है बहुत जगहों पे। यहाँ पे है अभी तो, यहाँ पे तो बहुत सारी रेत गिरी हुई है, रेत में तो मिलने से रहा। हाँ, तो रेत में एक चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रेत गिरी हुई है समंदर की, लगता है यहाँ का सैंड माइनिंग होती है यहाँ पे लगता है। तो दोस्तों ये देखिए, यह आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं कि नहीं, ये वाइट स्टोन, मिनी स्टोन, ये बड़े काम की चीज़ है। डिज़ाइन के तौर पे आप इसको अपने बोनसाई में रख सकते हो। मैं यहाँ से कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छी बात है, बिना पैसे का सामान ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है यारो। देखो 5-6 मैंने ले लिए, वैसे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो एक सैंपल आपको दिखाना था इसलिए मैंने उठा लिया है। आगे जो है सब समंदर ही समंदर है, इस तरह से हम जाएंगे, कितना बड़ा पेड़ है, छाव भी नहीं है इसकी। ढूंढते हैं कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा आगे जाएंगे हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक नाव पड़ी हुई है, शायद समंदर से बाहर लाके इसको रख दिया है, शायद से ख़राब है ये, दिखने में तो अच्छी दिख रही है, लकड़े की है, फाइबर की तो लग रही है। दोस्तों इस तरफ हम जाके देखेंगे, इस तरफ से भी एक रास्ता जो नीचे की तरफ समंदर की तरफ जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल पाता है या नहीं। यहाँ पे तो एक बड़ी सी झाड़ी गिरी हुई है, ये शायद नाव को बांधने के लिए काम आती है, देख रहे हो उसको रस्सी भी बांधी हुई है ना। हाँ, नीचे की तरफ जाएंगे हम, देखेंगे कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ तो पे सब कचरा अपने को दिख रहा है, तो दोस्तों हाँ ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है दोस्तों। अरे दोस्तों ये तो बढ़िया चीज़ है, देखो दिखने में भी अच्छी लग रही है। डिज़ाइन के तौर पे हम अपने बोनसाई को इस पर सेट कर सकते हैं या बोनसाई पॉट में भी रख सकते हैं, गार्डनिंग के लिए भी ये काम आएगा। तो एक अच्छी चीज़ आज हमें मिली है, ये बड़ी भी है और इसमें देखो ये जो छेद दिख रहे हैं आपको, यही तो इसकी खासियत है दोस्तों। ये रॉक्स मार्केट में भी मिलते हैं, पर मार्केट में इसकी कॉस्ट बाप रे बाप, आसमान को छूती है इसकी कॉस्ट, पर अपन तो बाबा फ्री वाले बंदे हैं, ढूंढ के ही रहेंगे। एक कलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे रख देता हूँ और ढूंढेंगे कहाँ कुछ मिलता है क्या। एक रॉक्स मिनी है, चल जाएगा ये। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है, और एक रॉक्स यहीं पर भी है, ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, तो इसे भी हम कलेक्ट कर लेते हैं।
और कुछ कहीं पे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस रॉक्स को यहाँ रख दिया है मैंने, और कलेक्ट करेंगे और उनको भी साथ में लेके जाएंगे हम। हाँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ढलान सी, यहाँ तो मिलना चाहिए ज़रूर। अच्छा है, यहाँ पे कुछ मिल पाएगा हमें। यहाँ पे तो बहुत सारे रॉक्स गिरे हुए हैं, अभी मुश्किल हो गया है इसमें से किस रॉक को मैं चूज़ करूँ। अच्छे खासे भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला रॉक्स देखो। हाँ, अरे है। हाँ, ये बढ़िया है डिज़ाइन के तौर पे भी। हम रॉक बोनसाई के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने बोनसाई पॉट में भी इसको रख सकते हैं। एक अच्छा सा बढ़िया सा गेटअप हमको मिल जाएगा रॉक्स से, तो इसे एक हम ले लेते हैं। इसे साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे भी एक बढ़िया सा रॉक है। मट्टी लगी हुई भाई, इसको साफ़ करनी पड़ेगी। रुको, ये भी बढ़िया सा रॉक से। यहाँ पे तो ढेर सारे रॉक्स गिरे हुए हैं, हम इनमें से थोड़े बहुत है जो कलेक्ट कर लेंगे, और जब कभी अगली बार आएंगे तो और ज़्यादा रॉक्स यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि अभी इतने सारे रॉक्स तो मैं एक साथ नहीं ले जा पाऊँगा, बहुत है यहाँ पे। ओह माय गॉड, आज तो मेरा लक खुल गया दोस्तों, कसम से। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, और दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं ये नहीं, ये फंसा है। पीपल का भी पेड़ इसमें उगा है दोस्तों, ये भी अपने काम की चीज़ मिल गई है यहाँ पे। देखो पीपल के पेड़ के नीचे रॉक, बढ़िया नज़ारा है देखने के लिए, तो एकदम से बढ़िया नज़ारा है ये। तो ये रॉक हम ले लेते हैं। देखो इसका लुक देखो आप, कितना बढ़िया सा लुक है। तो इस पौधे को हम ले ही लेते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो छोटा है पर बढ़िया दिख रहा है। हम इसे ग्रो करेंगे ताकि इसका इस्तेमाल भी हम कर सके बोनसाई के लिए। तो फर्स्ट थिंग तो अपन रॉक कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही इसको निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ रॉक्स अभी जमा किए गए हैं। देखो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसका डिज़ाइंस। देखो देखो इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे भी रखें दिखने में तो बढ़िया ही दिखेंगे। देखो कितना खूबसूरत है ये, बढ़िया है कि नहीं। तो कुछ रॉक्स अपन ले लेंगे साथ में भी जो कलेक्ट किए हैं, इसको इस बैग में डाल देंगे। रुको जरा, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो तो कभी भी आप शूट करने जाओ तो किसी बंदे को साथ में ज़रूर ले ले जो आपका कैमरा पकड़ सके। मैं तो अकेला ही जाता हूँ, जब भी जाता हूँ। तो इस बैग में अपन इनको सबको भर लेते हैं। देखो बहुत से रॉक्स अपन ने ले लिए हैं यहाँ पे। एक बार भर देंगे ना तो बाइक पे रख के चल देंगे भाई। हाँ, अपना एक काम और बाकी है, जो पीपल का मिनी पेड़ देखा था ना, छोटा पेड़, उसको साथ में लेना है। तो अपन उसको ट्राई करेंगे, निकालेंगे और उसको घर पे जाकर किसी पॉट में रख देंगे। अभी
ट्राई करता हूँ इसको निकालने का। इसका जो जड़ है वो अंदर तलक जा चुका है, आप देख सकते हैं। देखो इसका जो जड़ है ना, दो तरफ से भी है ये, अंदर एक तरफ से दिखाई नहीं दे रहा बराबर से, तो ये दोनों तरफ से अंदर जा चुका है। तो ट्राई करते हैं दोस्तों इसको निकालने का। ये बहुत अंदर की तरफ इसका जड़ है जो जा चुका है। ट्राई कर रहा हूँ, ये मिट्टी हट जाए एक बार ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। निकालते वक्त इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि इसकी जो जड़ है टूट ना जाए, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर सकता है। तो हम इसे आसान ही आसान तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों हमने इसे निकाल लिया है, थोड़ी भी यहाँ पे उसकी जड़ जो है डैमेज हो गई है, बाकी तो बढ़िया है और बेहतरीन इसका डिज़ाइन से। देखिए नीचे से दो रूट्स उसकी निकल आई है, तो हम इसको घर पे लेके जाएंगे और पॉट करेंगे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।